हैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पनीर भुर्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये पनीर भुर्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और गैस को ऑन कर देंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब हम उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और जीरा को हम अच्छे से चटकने देंगे। जीरा चटकने लगा है, अब हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डालेंगे जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसे हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। तो आप अपने तीखा के अनुसार कम ज्यादा डालिए। तो मिर्च को भी हमने थोड़ा सा भून लिया है, अब हम इसमें आधा शिमला मिर्च डालेंगे जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसे भी एक मिनट तक भून लेंगे प्याज के साथ में। कैप्सिकम को हमने भून लिया है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में हम गरम मसाला भी डाल देंगे। मसाला को हम भून लेंगे। तो इसे हमें आधा से एक मिनट ही भूनना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रहना चाहिए, नहीं तो मसाला जल जाएगा। मसाला भून चुका है, अब हम इसमें एक बड़ा टमाटर कटा हुआ डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। टमाटर सॉफ्ट होने तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। तो पनीर हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे क्योंकि ग्रेट किया हुआ है तो ये ज्यादा टूट ना जाए, ऐसे हम पनीर को मिक्स करेंगे। अब हम साथ में नमक डालेंगे, तो टेस्ट के अनुसार हम नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको कवर करके 1.5 से 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम कवर हटा लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, अपनी भुर्जी अच्छे से तेल छोड़ चुकी है, एक बार मिक्स कर देंगे। भुर्जी लगकर तैयार है, अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फाइनली अपनी पनीर भुर्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है, कितनी अच्छी इसकी खुशबू है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। हम इसे भुर्जी को प्लेट में निकाल लेंगे। हमने पनीर का प्लेटिंग करके धनिया पत्ता से डेकोरेट किया। ये पनीर भुर्जी बहुत ही आसानी से बन जाता है।
इसे हम पूरी पराठा चपाती के साथ खाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये पनीर कुर्ची की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।